अगर आप मुझे इसी तरह टीज करेंगे तो मैं वाकई चली जाऊंगी। मैंने वो सब कुछ किया है जो आप चाहते थे, उसके बावजूद आपको मेरा कोई एहसास नहीं। सिर्फ आपका ही तो एहसास है रिदा, और आपके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता मैं। आप और मैं अलग अलग, ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं मैं। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं रिदा, बहुत मोहब्बत, इश्क है मुझे आपसे, इश्क समझती है? नहीं समझती। कहा कि नहीं, वो तो बड़ी बेगम साहबा देंगी, उन्होंने कहा है। ये सुनते ही निशान साहब को गुस्सा आ गया। वो तो शुक्र है कि रिदा बीबी ने मुझे जल्दी भेज दिया, वरना मुझे तो डर लगा कि कहीं इन दोनों में झगड़ा ही ना शुरू हो जाए। अब ठीक है शुक्र, आप जाइए। जी बेहतर बीबी। ये क्या मजाक है, वो समझता क्या है खुद को? एक मिनट। हाँ रिदा। मामा आपको क्या जरूरत थी जरीना को भेजने की? आप बिल्कुल नहीं जानती हैं जिशान को, उन्होंने बहुत माइंड किया है। अरे बेटा, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी जिम्मेदारियों को देखते हुए ये सब किया है। हाँ माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं जिशान के घर में रहती हूँ, अपने शौहर के घर में। मुझे उनकी मर्जी, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ही चलना होगा, ना कि अपने भाइयों की। ठीक है बेटा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें परेशान देख कर जितना हमें दुख होता है उतना किसी को नहीं हो सकता। जब से तुम्हारे घर से वापस आई हूँ एक मिनट चैन नहीं आया मुझे। बेटा मैं फोन दीजिए। ये मसला क्या है जिशान को? क्या उसके क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा है? क्या मतलब है, कौन सा कॉम्प्लेक्स आसिम? नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स तो है ना जो ये सब कर रहा है तुम्हारे साथ? ऐसी कोई बात नहीं आसिम। रिदा, उसे अपने कम हैसियत होने का कॉम्प्लेक्स है, और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तुम समझ नहीं रही हो। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही हो यार? तुम उससे बात करो, उसको समझाओ। आसिम ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरा मतलब ये है कि तुम्हें खामोश नहीं रहना चाहिए। और तुम क्यों बर्दाश्त कर रही हो? तुम्हें कमी किस चीज की? वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता तो तुम उसको छोड़ दो। हम लोग हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, फजूल बातें मत करो मुझसे। क्या हुआ? फोन रख दिया। हाँ तो शौहर है उसका बेटा, उसे बुरा लगा। अम्मी जी, क्या शौहर है, जिम्मेदारी तो पूरी कर नहीं सकता उसकी। और कमी क्या है रिदा में? वो उसको खुश नहीं रख सकता तो रिदा को कहिए उसको छोड़ दे। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। आसिम, मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को? क्या करूं? तुम क्यों बर्दाश्त कर रही हो? तुम्हें कमी किस चीज की? वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता तो तुम उसको छोड़ दो। हम लोग हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हातिम, आई गेस ये तुम्हारी शर्ट से फहाम की वार्डरोब में आ गई थी। जी भाभी, ये तो मेरी शर्ट से, मैं यही ढूंढ रहा था। लॉन्ड्री एक साथ आती है ना, तो इसलिए फहाम की वार्डरोब में मिक्स हो गई। मैं तुम्हारे रूम में रखाती हूँ। थैंक यू भाभी। हातिम मैं एक दो दिन से ना एक बात पे काफी परेशान हूँ, सोचा तुमसे डिस्कस कर लूँ। जी बोलिए। हातिम, मुझे ना रिदा की किस्मत देख के बहुत दुख होता है। इतनी मासूम सी हमारी रिदा कैसे रुल सी गई है, यहाँ कैसे उसके आगे पीछे नौकर फिरा करते थे हातिम, और वहाँ तो वो बेचारी अपनी मर्जी से एक मुलाजमा भी नहीं रख सकती। और तो और जिशान इतना बदतमीज निकलेगा हातिम, मैंने तो सोचा ही नहीं था, अंदाजा ही नहीं था मुझे।
جی اندازہ تو مجھے بھی نہیں تھا بہت سی چیزوں کا. اسی لیے منع کرتی تھی ہاتم, اتنا کچھ مت دو, اتنا جہیز نہ دو, اتنا سر پہ نہ چڑھاؤ اس انسان کو. دیکھ لیا نا اب, کوئی قدر نہیں کی اس نے رضا کی, نہ ہی تم لوگوں کی. دراصل بھابھی فہم بھائی اور امی جان مجھے اس معاملے میں کچھ کہنے نہیں دیتے. تو ہاتم کسی کو تو بات کرنی ہے نا اس بارے میں, اور صرف تم ہی ہو جو ذیشان کا دماغ ٹھیک کر سکتے ہو. خالہ جان اور فہم تو اخلاق میں ہی مارے جاتے ہیں, تب تک نہ جانے وہ لوگ ہماری رضا کے ساتھ کیا کیا کرتے رہے. نہیں ہاتم, جھاڑو پوچھا صفائیاں گھر کو دیکھنا یہ رضا کے کام نہیں تھے. تھی معصوم سے رضا, اس سے وہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کروا رہے. جب ہماری رضا ہی سکون میں نہیں ہے تو ہاتم ہم کیسے سکون میں رہ سکتے ہیں. میں جانتی ہوں ہاتم, میں جانتی ہوں آج کل تم بھی کافی ڈسٹرب رہنے لگی ہو, لیکن ہمیں کوئی تو ایکشن لینا پڑے گا نا. ٹھیک رہی ہیں تو کرو نا کوئی بات ذیشان سے. فدا کا سوچ کر بس چپ ہو جاتا, کہیں ذیشان اسے مزید تنگ نہ کرے. تو ہاتم ہماری رضا پہلے کون سی خوش ہے جو ہم یہ سوچ کر چپ کر جائیں. نہیں ہاتم, ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے. سوچو اس بارے میں کچھ, اس سے بات کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی آپ, میں بات کروں گا اس سے. خیر اس سے زیادہ میں تمہیں اور نہیں سمجھا سکتی تھی, آگے تمہاری مرضی. بیچاری رضا,